हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे। मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया एंड खा के मैं फटफट बाहर रश कर रही हूँ। मैं अक्सर वीडियो बनाना भूल जाती सारी चीज़ों का, लेकिन अभी ठीक है, धीरे धीरे करके मैं जो है इसको इम्प्लीमेंट करूँगी अपने लाइफ में कि हाँ मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। क्या पता यार, मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है मेरा सब कुछ रिकॉर्ड करना, बट ठीक है, मैं अभी जितनी हो सके उतना तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी मैं उठ गई हूँ, बस जल्दी उठ के अब मैं बाहर जा रही हूँ अपने काम से, और काम करके फटफट आते हैं फिर अपना दिन भी स्टार्ट करते हैं। फ्रेश तो हो गई हूँ मैं फटाफट, तो लेट्स सी कैसा जाता है आज का दिन। तो गाइस, बाहर बहुत धूप है तो इसलिए कवच लेके जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देते देखो, तुमको बताती हूँ हम लोग नीचे आते तो कैसा होता। ये देखो, ये सब जमा हो जाते हैं क्या हमारे फ्रेंड्स। पांडा किधर है? पांडा तो सोया नहीं है, इधर किधर? क्यूकी पाई, क्यूकी पाई, इन सब की आंखें कितनी प्यारी होती है यार। चलो बाय बाय गाइज। यहाँ पे ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि देखो ये सच्चाई है मेरी कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं अपना मुंह ऐसे ही ढक के जाती हूँ, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, मुझे सनस्क्रीन सूट नहीं होता, तो मैं ऐसे मुंह ढक कर बाहर जाती हूँ। थर्सडे है तो थर्सडे मैं यूजुअली जो है घर वर साफ करके पूजा करती हूँ। अब भी जस्ट मैंने पूरा घर साफ किया है, क्लीन किया अच्छी तरह से, और शाम में जो है मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे मैं यूजुअली फास्ट रखती हूँ, तो आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। ठीक है, आज थर्सडे रहता है तो आज हमारे घर में प्योर वेज बनता है, सब शुद्धि वाली चीज़ें होती है, अच्छा लगता है बहुत। पूजा होती है, धूप जलता है और ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और अभी 5:30 भी बज गए, तो मेरा 6 बजे जो है ऑफिस लॉगिन होता है, तो मैं अभी वो 6 बजे लॉगिन भी करने वाली हूँ थोड़ी देर में। अभी तो पूजा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा स्टार्ट में ही मीटिंग है, 6 बजे मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, पहले वो अटेंड करेंगे और उसके बाद जो है पूजा करेंगे। आज देखते हैं आज का मेन्यू क्या होता है, क्योंकि हर थर्सडे जो है मम्मी कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा स्पेशल बनाते ही है, और देखते आज मम्मा क्या बना रहे हैं। तो गाइस देखिए, राम जी का झंडा मेरे घर के बेडरूम में जो है लहरा रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सच्ची बताओ तो मतलब सनातन की तरफ से कुछ भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो झंडा है ठीक है राम जी का, ये बहुत मज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। और ये मैंने ही इसको फिट करके लगाया, देखो मैंने कैसे लगाया है इसको डंडा फिट करके। ये डंडा भी इसका नहीं है, इसका डंडा टूट गया था तो मैंने दूसरा डंडा जो है दूसरे झंडे का, जो झंडा राम जी का नहीं था, वो झंडे का डंडा निकाल के राम जी के लगाया। मैं चाहती थी कि मेरे घर पे जो है झंडा लहराए। तो अभी चलो चलते हैं और ऑफिस का लॉग इन करते हैं। घर वर तो पूरा साफ हो गया है एंड सब यहाँ पे तो अभी सो रहे हैं तो हम देखते अपना ऑफिस लॉगिन करते हैं क्या। मंदिर तो मस्त धूप पड़ती क्या मंदिर पे आज, तो इनका भगवान जी का सबका पूजा करना है। याद है मैंने वो खरीदा था वैजयंती माला, देखो वैजयंती माला जो है मम्मी बोल रहे टूट गया, आज शायद मैं नई वाली जो है वैजयंती माला लेकर आ गई। तो गाइस जल्द से जल्द रंगोली बनाते हैं, अभी मेरा मीटिंग खत्म हुआ है और पूजा भी करना है मुझे क्या। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रंगोली ना खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत ही बची है, तो जितनी भी बची है ना उतने में से मैं बना लेती हूँ यार रंगोली। तो गाइस मैं दरवाजे के जो मेन डोर पे ये जो वाइट पट्टी होती है वहीं पे रंगोली बनाती हूँ, और यही मेरा रंगोली का किट है। यूजुअली मेरे पास पहले बहुत सारे रंगोली थे, पर मैं रोज़ बनाती हूँ करके आज बहुत कम रंगोली है, मेरे पास कलर भी नहीं है। तो मैंने पहले पिंक वाला रंगोली उठाया था, बट वो मुझे उनसे माता की पैर बनाने थे तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया, और मैं कोई दूसरा कलर ढूँढ रही हूँ ताकि मिल जाए। बहुत ही कम रंगोली थी तो फाइनली मुझे जो है एक ऑल्टरनेट कलर मिल गया पिंक के साथ जो सूट करेगा, जो कि है ब्लू कलर मुझे मिल गया। एंड ये ब्लू कलर से मैं जो है सिंपल सा जो है छन्नी के साथ रंगोली पूरा फैला दूंगी, और मेरे पास कुछ जो है रंगोली के डिज़ाइंस है जिसमें
बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन है मेरे बास्केट में, उससे मैं कोई भी एक डिज़ाइन बना लूँगी। तो मैं यूजुअली यहाँ पे जो है माता के पैर बनाती हूँ, तो किसी तरह देखो मैं किस तरह से जो है फैला रही हूँ, इसे बहुत इजीली ये रंगोली जो है फैल जाता है, बहुत अच्छा है ये, क्या छन्नी वाला जो होता है ना, मस्त अच्छी तरह से फैल जाता है, फटफट कलर आ जाता है क्या। तो इसी तरह से मैं सिंपल सी रंगोली बनाती हूँ दरवाजे पे, और अभी टाइम भी बहुत कम है और आज वर्किंग है तो मैं फटफट फटफट बना रही हूँ। जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता ना तो मैं ज़्यादा रंगोली बनाती हूँ, जब छुट्टी पे होती हूँ या फिर ज़्यादा टाइम होता, अब तो मैं ऑफिस है आर्ट्स पे बना रही हूँ तो मैं फटफट फटफट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो गैस इसी तरह से मैं बनाती हूँ, और इसके बाद जो है मैं जो भी डिज़ाइन मुझे इसके ऊपर बनाना है मैं वो उसमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके वो डिज़ाइन की रंगोली जो है फिर मैं बनाऊंगी इसके बाद। तो ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, तो पैर बनाए दोनों साइड में और कमल का फूल बनाया जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यस गाइस, अभी जो है फूल हम भगवान को चढ़ाएंगे और पूरा मंदिर सजा देंगे फूल से थर्सडे के दिन। सबसे पहले तो गणपति को हम दूर्वा चढ़ाएंगे, शुरुआत उनसे ही होती है, फिर तुलसी जो है हम अपने शिव जी को चढ़ाएंगे, और ऐसे ही कर करके एक एक जो है सब चीज़ चढ़ाते जाएंगे और पूरा मंदिर जो है अच्छी तरह से सजा देंगे जो कि बहुत प्यारा लगेगा मंदिर। तो गाइस थर्सडे के दिन मुझे दिए लगाना बहुत ही पसंद है, मैं जो है जितना हो सके उतने दिए लगाती हूँ और घर में जो है धूप जलाती हूँ, अगरबत्ती से पूरा धुआं धुआं कर देती हूँ घर, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, बहुत पसंद है मुझे क्या, ये मेरे दिल को शांति देता है। गाइस जब मैं माता को देखती हूँ तो मैं देखते ही रह जाती हूँ, माता इतने सुंदर दिखते कि मैं बता भी नहीं सकती, मुझे मैं एकदम मोहित हो जाती हूँ माता का रूप देख के, बहुत बहुत प्यारे दिखते हैं माता, बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ यही वो स्पेस है जहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ, और मैं काम करने के बाद मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ थोड़े टाइम बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मुझे जो फ्रिज में दिखा वो मैंने बना लिया। फ्रिज में जो है वेज पैटीज़ पड़ी हुई थी जो कि बर्गर के लिए होती है ना वेज पैटीज़, वो पड़ी हुई थी, तो मैंने फटफट तेल लगा के उसे फ्राई कर दिया फ्राई पैन में, एंड थैंकफुली पाव भी था घर में फ्रेश पाव, तो वो भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पाव और पैटिस खाए अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने जो है वही अपना हेलमेंट्स मेयोनेज़ जो सबसे फेवरेट मेयोनेज़ होता है वो लगाया, और फिर मैंने सॉस लगाई, हमारे पास जो सॉस होती है ना वो टमाटो केचप वाली, वो लगाई मैंने, और क्या है फिर अपना देसी बर्गर बनाया मैंने अपना देसी बर्गर, इन दोनों के बीच में मैंने अपना पैटिस डाल दिया वेज का, और ले भाई ऐसा बन गया बर्गर
देसी बर्गर, मज़ा आ गया खाने में। और ये जो पैटीज है ना, ये डी मार्ट की वेज पैटीज है, जो कि बहुत फ्रेश होती है, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी टेस्टी होती है। बस फ़र्क इतना था कि मैं बनाने के बाद ना मेरा मुंह में से ना धुआं निकल रहा था और बहुत गर्म था। देखो मेरे कैसे एक्सप्रेशन निकल रहे, इतने गर्म है भाई। फिर भी मुझे इतनी भूख लगी थी ना, इतने गर्म होने के बावजूद भी जो है मैं खा रही थी। उसके बाद मेरा ना एक और खाने का मन कर रहा था दोबारा, एक और तो दोबारा जो बन कर रहा था उसके लिए भी मैंने सेम वैसी बनाया सॉस और जो है हेलमेंट्स मेयोनेज़ लगा के दूसरा भी खाया। लेकिन ये दूसरा वाला भी बहुत गर्म था यार, एकदम दोनों भी पैटिस बहुत गर्म थे। और इतना खाने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे चाय और कॉफ़ी चाहिए, तो मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली, नेस्कैफे कॉफ़ी। और वाह, कॉफ़ी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि कुछ भी खाओ कुछ तो चाहिए पीने के लिए, चाय कॉफ़ी या ठंडा। ठंडा तो मैं इतना पीती ही नहीं हूँ, बट हाँ मुझे कॉफ़ी की तलब लग रही थी कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो मैंने कॉफ़ी बनाई मस्त में। और बहुत गर्म पीती हूँ मैं कॉफ़ी, ठंडा नहीं पीती कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ साथ थोड़ा साइड बाई साइड जो मेरा बर्गर रखा था वो भी थोड़ा बहुत खा रही थी मैं, और दोनों खा रही थी और पी रही थी, और मेरी कॉफ़ी भी जो है मैं चल रही थी आराम से। देखो इस ये वाली भी कितनी गर्म है यार, बहुत धुआं निकल रहा था मुंह से, बाबा मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैं कैसे कैसे खा रही थी क्योंकि भूख लगी थी ना मुझे। तो ऐसे ही मैं खा रही थी। जब मुझे भूख लगती ना, मेरे को जो भी मिल जाएगा मेरे लिए काफ़ी होता है और मेरे को टेस्टी ही लगता है। तो ये सब खाने के बाद एट लास्ट मैंने अपनी कॉफ़ी जो है अपने वर्किंग टेबल के यहाँ पे ख़त्म कर दी। और उसके बाद मैं जो है बैक टू बैक अपने मीटिंग्स पे चले गए, एंड देन मीटिंग जब एंड हुआ तो उसके बाद मैं जो है खाना खाने के लिए आई थी। तो मम्मी ने आज देखो भिंडी बनाई है, और भिंडी और ये बनाया क्या बोलते रोटी था। मैंने सिर्फ भिंडी और रोटी खाया, मैंने दाल राइस नहीं खाया, मेरे को दाल राइस खाने का मन नहीं था क्योंकि बर्गर ही इतनी हैवी हो गई थी ना मेरे लिए। गाइज हमने सबने खाना खा लिया है, एंड मेरा तो अभी भी ऑफिस चल रहा है, कुछ रात के 3:30 बजे मेरा ऑफिस ख़त्म होता है, तो मैं तो अभी सारे मीटिंग्स अटेंड करके अभी मेरा सब डन हुआ है। बहुत सारे मीटिंग्स रहते हैं मेरे स्केड्यूल जो कि मुझे अटेंड करना होता है, मैंने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, एंड आई एम डन फॉर द डे। अभी खाली बस मेरा जो बाकी का जो काम है मैं वो करूँगी। अभी सोने का टाइम हो गया, सब सो रहे हैं और मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। भाजी रोटी खा के क्या सब गाइज़। इसके बाद जो है मैंने फटाफट काम कंप्लीट किया और हम सोने चले गए भाई, बहुत नींद आ रही थी। आई होप आप लोगों को वीडियोस जो है अच्छे लग रहे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।